वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, सबका स्वागत है 29 अप्रैल के इस करेंट अफेयर की क्लास में, जो कि रोज आपको सुबह 3 बजे प्रोवाइड किया जाता है। तो रोज सुबह उठकर पढ़ने की आदत डालें। चलिए, इसका PDF हम आपको शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कीजिए जल्दी एजुकेशन की 86 को। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हम पहुंचा सके अपने चैनल के माध्यम से। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। आज का पहला प्रश्न है, रिसेंटली नासा हैज रिलीज अ स्टडी रिपोर्ट अबाउट विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। किस ग्रह के बारे में नासा ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है। देखिए, नासा ने इस जो सोलर सिस्टम के इस ग्रह पे अपना एक रिपोर्ट जारी किया है। वहाँ पे दो देश अभी कंपटीशन में हैं, एक तो है अमेरिका जिसका ये एजेंसी है नासा, ठीक है, और दूसरा है जापान, ठीक है। उसके बारे में भी मैंने एक क्वेश्चन दिया है, आगे देखेंगे, पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि वो कौन सा प्लेनेट है जहाँ पे इन्होंने बताया है कि इसके कोर में, जी हाँ, इसके जो सेंटर में, यहाँ पे कोर में जो चीज़ें पाई जाएंगी वो सॉलिड होंगी। तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों आपका, इट्स अ सी मरकरी, यानी कि बुध ग्रह। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में नासा ने सौरमंडल के बुध ग्रह के बारे में अध्ययन की रिपोर्ट के जारी करते हुए कहा है कि इसके कोर में सॉलिड है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएंगे उसका मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे, इसको पढ़ लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन जरूरी है, आपको वीडियोस में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर सुना करें या एक बार पढ़ा करें आप लोग, ठीक है। तो मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द इनर मोस्ट प्लेनेट। देखिए, ये सबसे बता दें आपको कि सबसे छोटा ग्रह है किसका, सौरमंडल का हमारे, और ये इनर मोस्ट प्लेनेट है, ठीक है। और ये जो है सन से, यानी कि सूर्य से, सूर्य की परिक्रमा जो है वो लगभग 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके ज्योग्राफी वाले सिस्टम में, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं क्वेश्चन में, ठीक है। पर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो अभी हाल ही में नासा ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसके द्वारा बताया गया है कि जो बुध ग्रह है, अर्थात बुध ग्रह जो है उसके कोर में पूरी तरह से सॉलिड ही सॉलिड है, और इस पर अभी शोध किया जाना बाकी है। तो ये एक अनुमान लगाया है नासा एजेंसी ने, जो कि अमेरिका की है, ठीक है, इतना पता है ना। अब यहाँ पे आप जो इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण चीज़ें जान लो कि इसका जो बुध ग्रह है, इसका खुद का एक चंद्रमा है जो कि पृथ्वी के चंद्रमा से कुछ बड़ा है। जी हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा, ठीक है, अमेरिका का क्या है, तो नासा है, उसी तरह ये जो है जापान का अंतरिक्ष एजेंसी है जिससे हम लोग जैक्सा के नाम से जानते हैं। इन्होंने बुध ग्रह के शोध के लिए छोड़े गए यान का नाम क्या है। इनको, इनके द्वारा एक बुध ग्रह पे छोड़ा गया एक यान भेजा गया है, उस यान का नाम बताना है। तो ऑप्शन है बेपी कोलंबो, मर्क डेंस, प्लेनेट प्लेन या मिशन सॉलिड। तो आंसर यहाँ पे देखिए, ये मत करके आ जाइएगा क्योंकि यहाँ पे गलत हो जाइएगा आप। आंसर कीजिएगा इट्स ए बेपी कोलंबो, नोट कर लीजिएगा, आंसर है यहाँ पे ए दोस्तों। अब देखिए, जो जापानी अंतरिक्ष एजेंसी है जैक्सा, इन्होंने अपना एक यान भी भेज दिया है, किसके लिए, तो बुध ग्रह के लिए, ठीक है। अब यहाँ से ये जो पता लगाएंगे कि जो इसके कोर में है ना, इसके कोर में इस ग्रह के सॉलिड है या नहीं, तो इसके पीछे एक तो नासा की एजेंसी लगी हुई है, ठीक है, बुध ग्रह के ऊपर खोज चल रहा है, और ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, ठीक है, तो बहुत गर्म है और ये ग्रह बहुत नज़दीक है, जो कि 88 दिनों में, जी हाँ 88 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा भी कर लेता है। इसका एक चंद्रमा भी है जो कि पृथ्वी के चंद्रमा से काफ़ी बड़ा है। इतना क्वेश्चन रहेगा, याद ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपसे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे, जो बेपी कोलंबो के बारे में, वो थोड़ा जान ले कि ये एक ज्वाइंट मिशन है किसका किसका, तो ये दो कंट्रीज़ का, एक तो जापान ही है और दूसरा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, तो ये इन दोनों का कंबाइंड मिशन है जो कि आपको भेजा गया है यहाँ पे, कहाँ पे, तो बुध ग्रह के मिशन पे,
ठीक है, कि इसका जानकारी लिया जाए कि यहाँ पे जो इसका इनर मोस्ट है यानी कि जो इसका अंदरूनी भाग है वो सॉलिड है या नहीं। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि ये लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जीके में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये लॉन्च जो है मास ये कितने किलोग्राम का है। तो जो भेजा गया है आपको 4100 किलोग्राम का है। स्टार्ट डेट है जो ये कब भेजा गया था, तो 20 अक्टूबर 2018 को। और जो इसका बोल मास है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी फिलहाल वैसे तो, पर यहाँ पे ये ड्राई मास भी नहीं पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको साइंटिफिक काउज देना होता है तो बताया जाता है बोल मास और ड्राई मास। ठीक है, पर यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इसे कब भेजा गया था। ठीक है, तो लॉन्च डेट इसका याद रखिएगा, स्टार्टिंग डेट 20 अक्टूबर 2018 को ही भेजा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से दोनों ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे इसके बारे में हिंदी में ही जानकारी दी गई है कि इस अभियान के 2025 तक बुध ग्रह तक पहुँचने की संभावनाएं हैं। तो 2025 तक ये जो यान है वो पहुँच जाएगा कौन, तो बेपी कोलंबो, ये नाम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जो कि यूरोपीय एजेंसी और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, यूरोपीय एजेंसी का नाम क्या है, तो ईसा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा कि किस देश ने हाल ही में अभी राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी 2031, जी हाँ ये 2031 को अपनाया है यानी कि इसको अडॉप्ट किया है। तो आर्टिफिशियल एजेंसी स्ट्रेटजी 2031 को अपनाने वाला वो कंट्री है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक बैठक हुई थी जिसके जरिए यहाँ पे इन लोगों ने जारी किया है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी। ये क्या करेगी स्ट्रेटजी, इसके बारे में आपको हम बताते हैं, क्योंकि ये जो है रूरल एरिया, जो यूएई के रूरल एरिया के तरफ जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेगी, वहाँ पे सारी चीज़ें फैसिलिटी मुहैया करा सकती है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं देता हूँ कि ये लॉन्च किया गया है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। सबसे बड़ा अहम भूमिका रहेगा इसका बिजनेस पे, आवर लाइव एंड द आवर गवर्नमेंट सर्विसेज, जो इनकी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है उन पे केंद्रित होगी, उन पे ध्यान मग्न होगा। और इन्होंने कौन, तो ये वाइस प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर शेख मोहम्मद बिन रसीद अल मक्तूम, कहाँ के, तो यूएई के। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, याद रखिएगा। तो इन्होंने यूएई के मंत्रिमंडल राष्ट्रीय जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति 2031 इन्होंने अपनाया है, इसका उद्देश्य क्या है कि 2031 तक जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थान देना होगा इसे भी, किसे, तो एआई को। ठीक है, ये क्या करेगा, पूरे देश भर में महत्वपूर्ण जितने भी क्षेत्र हैं जैसे कि आपका बिजनेस हो गया या फिर आपके जीवनचर्या हो गया और जो गवर्नमेंट की सर्विस बॉडी होगी, इस पे वो ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट आपका यूएई से। अब यूएई से है तो क्वेश्चन बनेगा कि इसका कैपिटल कहाँ है, तो मैंने हर बार आपको बताया है अबू धाबी, नोट कर लीजिएगा। करेंसी अगर पूछे तो ये दिरहम होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बताता हूँ बार बार क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्ज़ाम में, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि हमारे इस क्यूज़ को बहुत पहली बार देखते होते हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीज़ें जानना, इसलिए ये सब चीज़ों को मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो सके। देखिए, प्रेसिडेंट हैं यहाँ के खलीफा बिन जायद अल नहान, तो ये नोट कर लीजिएगा। और यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उत्तर कोरिया प्रमुख हाल ही में, देखिए उत्तर कोरिया के प्रमुख कौन है इनके बारे में पता है, अभी चलिए मैं आगे बताता हूँ। और ये जो अभी हाल ही में किस देश की यात्रा पर गए हुए हैं, तो ये उत्तर कोरिया के जो प्रमुख हैं ये रशिया गए हैं अपने पर्सनल ट्रेन से, जी हाँ प्लेन नहीं ट्रेन से। तो ये हैं कौन दोस्तों, आंसर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, रशिया गए हैं ये। और ये हैं उत्तर कोरिया के नेता जो हैं किम जोंग, जो कि अपनी निजी ट्रेन से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी पहली मुलाकात। और ये जो ऐसे नेता हैं किम जोंग, जो कि किसी भी कंट्री के साथ अपना मुलाकात नहीं करते हैं, ये अपनी एक ऐसी कंट्री है जो कि खुद में ही बंधा हुआ है, पर ये अब बाहर निकले हैं किम जोंग
और ये सबसे पहले जो मिलने गए हैं, मुलाकात किए हैं, वो दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया से आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, सुप्रीम लीडर हैं यहाँ के नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन, और कैपिटल है इसका प्योंगयांग, और करेंसी है वोन यहाँ का, याद रखिएगा वोन, आप याद रखिएगा विन वोन, ठीक है, इससे याद रहेगा आपको। और पॉपुलेशन है यहाँ के लगभग 2.5 करोड़। ठीक है, चलिए, तो इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ से आपको याद रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्य क्षेत्र में दुर्घटना और कार्य में चलते हुए बीमारियों के चलते कई कामगारों का मौत हो जाता है, तो वो लगभग संख्या कितनी है? अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के जरिए ये बताया गया है कि हर साल, जी हाँ, ये मृत्यु दर जो है लगभग 27.8 मिलियन की होती है पूरे विश्व में। तो ये एक क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन से, तो इम्पॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी रखना होगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। इसको बनाया गया था 1945 में, और फाउंडर क्लब में इंडिया भी शामिल है। यूएसए, इंडिया, वेनेजुएला, यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्राज़ील, और भी बहुत सारी कंट्री हैं, पर ये जो 5 कंट्री हैं इनका नाम मैंने आपको बताया है ताकि ये आपको ध्यान रह सके, और क्वेश्चन जब भी पूछे इसका फाउंडर तो आप बता सके वहाँ पे। ठीक है, और ये 1945 में 24 अक्टूबर को बनाया गया था इस संस्था को, कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में भी। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये ऑफिशियल लैंग्वेज याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारी ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि रिसेंटली विच कंट्री जर्नलिस्ट सिरिल अल्मीदा, ठीक है, सिरिल अल्मीदा हैज़ वोन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो अवार्ड द इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट फॉर द क्रिटिकल एंड सस्टेंडल सस्टेंडेड माफ कीजिएगा कवरेज ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री रिलेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कितने क्रिएट हो रहे हैं। एक तो ये जर्नलिस्ट जो हैं कहाँ से हैं ये आपको पता चल जाएगा। दूसरा चीज़ है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो का अवार्ड जीता है इन्होंने, तो ये जो है कौन देता है इसके बारे में बताऊंगा मैं। और तीसरी चीज़ें हैं कि जो IPI का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पे अब आंसर करना है कि वो कौन से देश से हैं मिस्टर सिरिल अल्मीदा, जिनको प्रेस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो का अवार्ड से नवाजा गया है। तो आंसर है दोस्तों पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान से रिलेटेड हैं ये मिस्टर सिरिल अल्मीदा, जो कि अपने फौज के रिश्तों के चलते आलोचक में बने रहते हैं और ये उनकी आलोचना करते रहते हैं। उसके अलावा अनवर्थ कवरेज, यानी कि जो ऐसी जगहों पर जाके बहुत ही जगह कवरेज करते हैं, जैसे कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में भी ये बहुत सारी चीज़ें बताए हैं, इसलिए इनको द इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट यानी कि IPI के जरिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो का से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट दोस्तों, और ये जो हैं अभी फिलहाल पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। ओके, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान का करेंसी क्या है, तो ये है रुपया, वो भी पाकिस्तानी रुपया है। ठीक है, और ये इस्लामाबाद है कैपिटल इसका। एरिया जब पूछे पाकिस्तान का तो याद रखिएगा, ये ज्योग्राफी में क्वेश्चन बना है और आपको मैंने बताया भी है ज्योग्राफी के क्लासेस में। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी यहाँ के, तो इमरान खान है, और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। तो ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ से याद रखने के लिए, तो इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि ग्लोबल टैलेंट कंपटेटिव इंडेक्स या कंपटीशन इंडेक्स कह सकते हैं इसको। ठीक है, 2019 का जो कि भारत का स्थान बताना है आपको क्या रहा है इस बार, तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स 80th। जी हाँ, 80वां स्थान रहा है द ग्लोबल टैलेंट कंपटीशन इंडेक्स के तहत। दोस्तों आपको बता दें कि ग्लोबल जो टैलेंट कंपटीटिव इंडेक्स है इसको लॉन्च किया गया था 2013 में ही, और ये कंपटीशन इंडेक्स जो है GTCI, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए ग्लोबल टैलेंट कंपटेटिवनेस इंडेक्स, जो कि एनुअली आपको रिपोर्ट देता है किसका, तो मेज़र करता है आपकी एबिलिटी, कंट्री की एबिलिटी को और टैलेंट को। यहाँ पे बताता है कि टैलेंट के मामले में कितने स्थान पे है आपका देश, तो यहाँ पे 80वें स्थान पे है भारत का स्थान। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि एशियन एथलेट्स चैंपियनशिप के 23वें संस्करण का आयोजन। ये क्वेश्चन आपको रोज मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये अभी चल रहा है यहाँ पे एशियन एथलेट्स चैंपियनशिप, कहाँ पे, तो दोहा में, ठीक है, याद रहेगा ये दोहा से है क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने आपको कल भी इसके बारे में रिलेटेड क्वेश्चन दिया था, तो यहाँ पे आंसर होगा डी। और दोहा जो है वो किसका कैपिटल है, तो यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, दोहा का कैपिटल क्या है यहाँ पे, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो कैपिटल है वो किसका है, दोहा कैपिटल किसका है, तो कतर का, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ हो रहा है, तो कतर में हो रहा है, जो कि कैपिटल इसका दोहा, और यहाँ की करेंसी जो है वो कतरी रियाल है, ठीक है, याद रहेगा, ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा। अब देखिए हम बात करेंगे एशियन एथलेट चैंपियनशिप के बारे में, जो कि इसका 23वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है दोहा में। तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि अभी जो इंडिया का स्थान है टॉप 4th पे है, ठीक है, जहाँ पे 3 मेडल, 7 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने अभी तक, ठीक है। और ये जो बहरीन है तो यहाँ पे 11 गोल्ड जीतकर, 7 सिल्वर जीतकर और 4 ब्रॉन्ज जीतकर ये पहले स्थान पे बने हुए हैं। वहीं चाइना है जो कि दूसरे स्थान पे बना हुआ है 10 गोल्ड, 13 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ। जबकि यहाँ पे द 4th डे इवेंट शॉ पार्टिसिपेशन अभी तक 63 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन देखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी याद रखनी होंगी, और भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ से अराइज़ होंगे हम आपको शेयर करते रहेंगे, ठीक है। और जो भारत से जो गोल्ड मेडल जीतने वाले कैंडिडेट हैं वो हैं एक तेजिंदर पाल सिंह तूर, गोमित मरिमुथु और ये यू चित्रा। तो ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको इसके बारे में यही डिटेल दिया था, ठीक है। तो अभी जो इससे आगे डिटेल हमें अपडेट होगा उसका भी क्यूज में हम जिक्र करते रहेंगे आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एशियन एथलेट्स चैंपियनशिप 23वें संस्करण के पहले दिन में भारत के किस खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो, यानी कि भाला फेंकने वाला एक गेम होता है, इसमें भारत को रजत पदक यानी कि ब्रोंज का दिलवाया था, वो पहला पदक था इस संस्करण का। तो दोस्तों वो कौन थी, तो वो थी अनु रानी, आंसर है यहाँ पे बी, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ये, ठीक है। चलिए ये हैं वो खिलाड़ी जिनका नाम है अनु रानी, जो कि भाला फेंक में इन्होंने जेवलिन थ्रो में भारत को सबसे पहला रजत पदक दिलाया, ठीक है। अब मैंने आपको बता ही दिया है, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे 60.22 मीटर के जेवलिन थ्रो में इन्होंने रजत पदक भारत को दिलाया है, ठीक है। और यहाँ पे एक है पारुल चौधरी, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पहले ही दिन लिया था, और ये इन्होंने 500 मीटर का अपना रेस कंप्लीट किया था इसलिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कैंसर से संबंधित ICP रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कौन सा स्थान है। तो कैंसर से संबंधित ICP रिपोर्ट के मुताबिक भारत का जो स्थान है दोस्तों ये है 19वां, कुल 28 देशों शामिल हैं इसमें, और इसमें भारत का स्थान क्या है, तो 19वां। तो ये किसने रिपोर्ट जारी की है, तो याद रखिएगा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है EIU क्या, ठीक है। तो ये है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जिन्होंने जारी किया है ये रिपोर्ट कि इसमें अभी इस संस्थान में भारत का स्थान क्या है, तो 19वां है, किसमें, तो कैंसर से संबंधित ICP रिपोर्ट के मुताबिक। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ से प्रश्न। तो आज हमारे साथ यहाँ आप बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों तक जिनको ये चाहिए वीडियो, और इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे ज्योग्राफी की क्लास में और सुबह 10 बजे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।